अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर वन में हम लोगों ने टू का टेबल सीखा था और काउंटिंग इन ऑर्डर सीखी थी। लेक्चर नंबर टू में जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स को कलर किया हुआ है। जो हमारे पास वन का ब्लॉक है उसको मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है और जो हमारे पास टेंस में आता है उसको मैंने येलो कलर किया है। अगर हम इसको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 + 10 = 20 + 10 = 30 and 1, 2, 3, 4, 5 30 + 5 = 35। इसी तरह से जो हमारे पास 5 होगा वो यूनिट्स में आ जाएगा और जो 3 होगा वो टेंस में आ जाएगा। 5 more than 30 is 35। मतलब 30 से अगर हम 5 more करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 35 आ जाता है। इसी तरह से राइट द नंबर इन टेंस एंड यूनिट्स, वो हमें कहता है कि हमने क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं टेंस और यूनिट्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर वन में उसने हमें दिया है 33। अब इस 33 को हमने क्या करना है, टेंस और यूनिट्स की फॉर्म में लिखना है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक ब्लॉक के अंदर आप लोगों ने एक डिजिट ही लिखना है, एक डिजिट से ज़्यादा एक ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना और ब्लॉक को स्किप करके लिखना है। इसी तरह से जो हमारे पास यूनिट में 3 लिखा हुआ होगा वो हम यूनिट वाली साइड में लिख देंगे और जो 3 टेंस में आ रहा होगा वो हम टेंस में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास दिया हुआ है 48। 8 जो है हमारे पास, जो हमारे पास राइट साइड पे होता है वो यूनिट में आ रहा है, इसलिए 8 को हम यूनिट्स में लिख देंगे और 4 हमारे पास किस में आ रहा है, टेंस में। सो 48 को हम लिखेंगे 4 टेंस में आ जाएगा और यूनिट्स में 8 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा हुआ है 97। इसको हमने यूनिट्स और टेंस की फॉर्म में लिखना है, तो 7 जो है हमारे पास वो यूनिट्स में आ जाएगा और 9 वो टेंस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 67। इसी तरह से 7 जो है हमारे पास वो यूनिट्स में आएगा और 6 टेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर इज़ 1 more than 35। मतलब अगर 35 के अंदर हम 1 more ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 36। इसको भी हमने कैसे लिखना है, टेंस और यूनिट्स की फॉर्म में लिखना है। तो 6 जो है हमारे पास वो यूनिट्स में आएगा और 3 जो है हमारे पास वो टेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर इज़ 1 less than 35। पहला क्वेश्चन जो था उसमें उन्होंने हमें कहा था कि अगर आप 35 में 1 more ऐड करें तो क्या होगा, और इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 35 से आप 1 less करें तो क्या होगा। 35 से अगर हम 1 less करते हैं तो हमारे पास आता है 34। 34 को भी आप टेंस और यूनिट्स की फॉर्म में लिखेंगे, 4 जो है वो आपका यूनिट्स में आ जाएगा और 3 जो है वो टेंस में आ जाएगा। इसी तरह से हमने 34 को यूनिट्स और टेंस की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर इज़ 10 more than 35। कि अगर हम 35 के अंदर 10 more ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा। 35 के अंदर अगर हम 10 more ऐड करें तो हमारे पास आता है 45, और इस 45 को भी हमने यूनिट्स और टेंस की फॉर्म में लिखना है। 5 जो होगा वो हमारे पास यूनिट्स में आ जाएगा और 4 जो है वो टेंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर इज़ 20 more than 35। कि अगर हम 35 के अंदर 20 more ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा। 35 के अंदर अगर हम 20 more ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 55। इसको भी हमने यूनिट्स और टेंस की फॉर्म में लिखना है।
50 का जो 5 है जो वंस में आएगा वो हमने यूनिट्स में लिख दिया, और 5 ही इसी तरह से टेंस में लिख दिया। इस तरह से ये हमारे पास बन गया 55, जिसको हमने यूनिट्स और टेंस की फॉर्म में लिखना है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है नंबर सिस्टम की अपनी रफ कॉपीज पर, और इसको अच्छे से लर्न करना है। इसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों ने एक ब्लॉक के अंदर एक डिजिट ही लिखना है और ब्लॉक को स्किप करके काम करना है। रफ कॉपीज पे आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और लर्न करना है। थैंक यू।